ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हमारा 7वां दिन है, 7वीं क्लास है। पिछले 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था कि साधक कितने प्रकार के हैं, है ना। 4 प्रकार के साधक बताए गए थे, कर्मी, ज्ञानी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। इस प्रकार से 4 प्रकार के साधक और उनके अधिकारों का, अधिकार के अनुसार बताया गया था कि उनका अधिकार कहाँ कब है और उनका साधन क्या करना है, उनका साध्य विषय क्या है। अब अधिकार की जब हम बात करते हैं तो हम जगत में भी देखते हैं कि बिना अधिकार के हमको कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती ना। जैसे अगर हमको इंजीनियरिंग करनी है तो क्या है, हमको अधिकार होना चाहिए इंजीनियरिंग में। एडमिशन पहले होगा, हमारा एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में अगर हम क्लियर होंगे तभी हमें अधिकार मिलेगा। और अगर हम बिना अधिकार के ही इंजीनियरिंग की क्लास में जाकर बैठ जाएं और पढ़ भी लें और इंजीनियर भी बन जाए तो भी, इंजीनियर भी बन जाए तो भी उसकी मान्यता नहीं होगी, प्रमाणिकता नहीं होगी, कोई भी हमको जॉब नहीं देगा। बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के अधिकार है ही नहीं हमारा उस आगे बढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो बिना अधिकार के हम देखते हैं कोई भी फल प्राप्त नहीं होता इस जगत में भी। उसी प्रकार से परमार्थ में भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि अगर हमारा अधिकार नहीं है उस पर्टिकुलर साधन में तो फिर उसका फल की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसीलिए हमें अपने अधिकार को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हमारा अधिकार किस चीज में है। अगर हम अधिकार जान जाएंगे और हम उसी प्रकार की साधना करेंगे तो हमारी उसमें उन्नति अवश्यम भावी है। अधिकार के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है। अभी हाँ, यहाँ ये बात मैं बताना चाह देता हूँ कि मैं जो कुछ भी बात बता रहा हूँ आपको, तो वो मैंने जो अपने गुरु वर्गों से श्रवण किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। और गुरुवर्ग ने जो भी कहा है वो सब कुछ प्रमाणित है, एक एक शब्द उनका शास्त्रों के ऊपर, जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् गीता के या अनेकानेक उपनिषदों के, उन्हीं उपनिषदों के आधार के ऊपर ही उन्होंने अपनी बात को रखा है और साथ में प्रमाण भी दिया है। तो अभी श्रीमद् भागवतम में ही हमारा 11वें स्कंध में जो है वो बताया है कि अधिकार की क्या आवश्यकता क्या है। तो उसमें बता रहे हैं, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यात् उभयोरेश निर्णयः। यहाँ बता रहे हैं स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अपने अपने अधिकार के अनुसार जब हमारी किसी पर्टिकुलर साधन में निष्ठा होती है, दृढ़ निष्ठा होती है, तो इसको हम लोग गुण की संज्ञा देते हैं, यही गुण है। और अगर विपर्ययस्तु, विपर्यय मतलब इसके विपरीत, अगर हम कुछ इसके विपरीत करते हैं, अपने अधिकार के विपरीत काम करते हैं, अनधिकार पूर्वक अगर हम चेष्टा करते हैं तो उसको दोष बताया गया है। तो अगर हम अनधिकार चेष्टा करते हैं किसी साधन करने के लिए तो हमारा वो दोष माना जाएगा। और फिर उसमें क्या है, उभयोरेश निर्णय, इस प्रकार का ये गुण और दोष का जो निर्णय है ये अधिकार के अनुसार ही किया जाता है, है ना, स्वे स्वे अधिकारे। अब हमने 3 चीजें 4 चीजें बताई थी, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कर्मयोग में, कर्मयोग में और ज्ञान योग में किसका अधिकार है, तो इसके लिए भी श्रीमद् भागवत में ही आया है, 11वें स्कंध में ही है वो भी। उसमें बता रहे हैं, निर्वीणा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु तेषु अनिर्वीण चित्ता नाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। भागवत का 11वां स्कंध 20वां अध्याय और 6ठा श्लोक। उसमें बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं स्वयं उद्धव जी को, क्योंकि उसमें उद्धव जी को जो भगवान ने उपदेश दिए हैं
उसको हम लोग उद्धव गीता भी बोलते हैं। जो एक अर्जुनी गीता, अर्जुनीय गीता है जो हम अभी हमारे अध्ययन का विषय है, और दूसरी एक उद्धव गीता है जो 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बहुत एलाबोरेटेड वे में दी है, उसमें 24 अध्याय हैं, तो वो एलाबोरेटेड है और भी ज़्यादा, इस गीता से भी और ज़्यादा एलाबोरेशन उसमें किया गया है। तो उसमें बता रहे हैं निर्वीणा नाम ज्ञान योगो, निर्वीणा नाम का मतलब होता है जिसकी विरक्ति हो गई है, जिसकी विरक्ति हो गई है संसार से। संसार से विरक्ति का मतलब क्या होता है, संसार से विरक्ति का मतलब है किसकी कर्म में कोई इच्छा नहीं रह गई, कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं होती उसको कर्म करने की। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसको फलों में ही आसक्ति नहीं है उसकी। अब अगर हमको आम के फल में आसक्ति नहीं है, आम का फल हमें नहीं खाना है, तो हम आम का वृक्ष क्यों लगाएंगे, आम का वृक्ष क्यों लगाएंगे, तो उसको ना तो कर्म करने में आसक्ति है और ना ही वो उस फल में आसक्ति है। तो जिसकी आसक्ति शुरू से ही जन्मजात, अगर ये आसक्ति नहीं है तो क्या है, वो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाता है, उसको संसार से वैराग्य है। क्योंकि ज्ञान का सबसे प्रमुख रिक्वायरमेंट है वैराग्य, संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य जो उसको हो रहा है अभी, उसका कुछ कारण है। जन्मजात जो वैराग्य हो रहा है किसी किसी बच्चे के अंदर जब हम देखते हैं, तो उसका एक कारण है कि उसका पिछले जन्म का साधन है जो उसके, जिसके कारण उसको वैराग्य हो रहा है इस जन्म में, उसने पहले कुछ ज्ञान योग का अभ्यास कर रखा है इसी प्रकार। और दूसरा बता रहे हैं कि जिसकी फल में अधिक, जिसकी फल इसके विपरीत, अगर जिसके मन में तेषु अनिर्वीर्ण चित्ता नाम, जिसका चित्त अनिर्वीर्ण है, मतलब वो उससे उदासीन नहीं हुआ है, किससे, कर्म से और कर्म के फलों से, उसको कर्म भी करना है और कर्म के फल भी चाहिए। सकाम कर्मी, हम सब की गिनती लगभग इसी में ही होती है, तो जो सकाम कर्मी है, जो सकामी व्यक्ति है, उसको अधिकार है कर्मयोग का, तो हमारा कर्मयोग का अधिकार यहाँ पर बन जाता है इस प्रकार हम जब देखते हैं। फिर आगे बता रहे हैं भक्ति योग के लिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ध्यान योग की, तो ध्यान योग में भी जैसे ध्यान योग की रिक्वायरमेंट बताई थी, चित्त शुद्धि है ना, और कर्म ज्ञान योग की और ध्यान योग दोनों की ही जो रिक्वायरमेंट है वो चित्त शुद्धि है। तो जो बात ज्ञान योग के लिए है, वही बात हम लोग ध्यान योग के लिए भी मान सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया है। दूसरे फिर बता रहे हैं कि भक्ति योग में किसका अधिकार है, तो इसके लिए भी वही 11वें स्कंद 20वां अध्याय और उसमें कौन सा है, 8वां श्लोक है, यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विणो न अतिशक्तो भक्ति योगो अस्य तिद्धिदः। अर्थात क्या है, यदृच्छया, यदृच्छया का अर्थ होता है पूर्व जन्म की सुकृति, पूर्व जन्म की सुकृति का मतलब वो सौभाग्य, कोई सौभाग्य अगर उसका उदय हुआ है तो क्या होता है, किसी सौभाग्यवश है ना, वो सौभाग्य क्या है, वही पूर्व जन्म की जो सुकृति है, सुकृति अभी हम बाद में बात करेंगे कितने प्रकार की होती है। तो यदृच्छया मत कथा दो, मेरी कथाओं में मेरे बारे में, हरि कथा जो होती है, तो मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे गुण के बारे में, मेरे तत्व के बारे में जिसकी कथा होती है, उसमें जिसकी श्रद्धा हो जाती है, जात श्रद्धस्तु यह पुमान, पुमान माने व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की मेरी कथाओं में श्रद्धा हो जाती है, न निर्विणो न अति सक्तो, और वो इस संसार से ना अधि आसक्त है और ना अधि निर्विण है, उसको ना तो वैराग्य है संसार से और ना ही वो उसमें बहुत आसक्त है, तो उसके लिए भक्ति योग वो अस्य सिद्ध है, उसी का भक्ति योग जो है सिद्ध होता है। भक्ति योग की रिक्वायरमेंट ही यही है कि हम संसार में रहें लेकिन उसमें ज्यादा आसक्त ना हो और ज्यादा वैरागी भी ना हो। अगर ज्यादा वैरागी होंगे तो हम लोग भक्ति योग का साधन करने में हम लोगों को मुश्किल आ जाएगी। तो इसके लिए बता रहे हैं कि फिर जो है हमारा जो ज्ञान योग में, कर्म योग में अधिकार हो गया और ज्ञान योग में अधिकार हो गया। तो ये अधिकार की बात हो गई हमारी, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में अधिकार की बात है ना। फिर इसके बाद आता है साधन, साधन वही हो गया कर्म योग क्या है, कर्मयोगी के लिए कर्म, जो सकामी व्यक्ति है उसके लिए कर्मयोग साधन है, और जो ज्ञानी है उसके लिए ज्ञान योग, ध्यानी है उसके लिए ध्यान योग, और भक्ति है उसके लिए, भक्त जो है उसके लिए भक्ति एक साधन हो गया। अब साध्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर जो कर्म योगी है वो काम कर रहा है, कर्म योग भली पूर्वक सब कर रहा है, तो उसको साध्य क्या है, उसका उसका लक्ष्य क्या है, उसको क्या मिलेगा क्या। तो जो कर्मयोग का लक्ष्य है, वो कर्मयोग का लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति, इस संसार में भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति, या स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति है ना, जैसे पहले भी या पिछले बार भी हमने ये बात करी थी। तो इस प्रकार से जो हमारे 14 भुवन में जो लोक हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी लोक, तो उसकी ही प्राप्ति उसको हो सकती है,
इस पृथ्वी से भी उच्च उच्च देवता लोग जो हैं जैसे स्वर्ग में रहते हैं, तो इसको वहां की प्राप्ति हो सकती है। फिर अगर ज्ञान है, ज्ञानी है अगर कोई, और ज्ञानी अगर साधना कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, उसके लिए बताया था ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म और सायुज्य, सायुज्य का मतलब है लीन हो जाना, मिल जाना, उसके साथ एक हो जाना, युंजित हो जाना, उसके साथ योग बन जाना हमारा, तो वो ब्रह्म सायुज्य कहलाता है। इसी प्रकार जो ध्यान ही करता है, अष्टांग योग का साधन करता है, उसको मिलेगा परमात्म सायुज्य, मतलब परमात्मा के साथ। तो अभी ब्रह्म और परमात्मा क्या है ये हम आगे देखेंगे, इसको समझेंगे। और जो भक्ति है, भक्त का क्या है साध्य, भक्त का साधन है भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान का प्रेम। क्योंकि अगर भगवान के लिए प्रेम हमको नहीं हुआ है तो बिन प्रेम के बिना हम भगवत प्राप्ति करके भी क्या करेंगे। अगर हमको कृष्ण की, राम की प्राप्ति हो गई, आज अगर हमको प्राप्ति हो गई तो हम उनके साथ क्या करेंगे, हमें उनसे प्रेम तो है नहीं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उनकी सेवा भी नहीं कर सकते, तब तक उनकी करुणा, तब तक उनकी कृपा भी हमें कैसे मिलेगी, ना ही हमको आनंद होगा ना उनको आनंद होगा, क्योंकि जब आपस में संबंध ही नहीं है तो प्रेम ही नहीं है। इसीलिए जो भक्त का जो लक्ष्य है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति है, और भगवत प्रेम की प्राप्ति होते ही भगवान तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रेम के वशीभूत हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा कि कर्म योगी की हमारी हो गई, साध्य हो गया स्वर्ग और ऊपर के लोगों की प्राप्ति इस ब्रह्मांड के अंदर। ज्ञानी का जो साध्य है वो है ब्रह्म सायुज्य, और उसका ध्यानी का परमात्म सायुज्य, और भक्त का भगवत प्रेम। अब ये जो सायुज्य है, ये सायुज्य मुक्ति बोल रहे हैं इसको, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति बोलते हैं इसको, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति और एक परमात्म सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति शब्द क्या है, हम लोग बहुत मुक्ति की बात करते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, इसको इंग्लिश में लिबरेशन बोलते हैं ना, कि हम लोग लिबरेट होना चाहते हैं, इस दुनिया से हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करेंगे वहां जाके, उस जगह का जहां हम जाना चाहते हैं हमें हमारे पास उसका परिचय होना चाहिए ना। अगर मुझे कहीं जाना है, गंतव्य है, और मैं ट्रेन में बैठ गया ऐसे ही, तो कहां जाऊंगा मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे बैठूंगा, कहां जाऊंगा मैं। इसीलिए उस गंतव्य का, उस स्थान का जानना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान ने कई बार इस बात को बताया है कि अगर इस तरह का कार्य कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको कौन सा वाला रास्ता मिले, कौन सा पद मिलेगा मेरा, कौन सा स्थान मिलेगा। तद्धाम परम मम, है ना, मेरे पद को प्राप्त होगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा, किस प्रकार होगा। तो ये मुक्ति के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो मुक्ति जो है दो प्रकार की बताई गई है, एक सायुज्य मुक्ति बोलते हैं इसको, और दूसरी है वैकुंठीय मुक्ति। इस बात को हम लोग अगर बहुत अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेंगे ना, तो आगे हमें बहुत सुविधा होगी आगे सारा अध्ययन करने में गीता का। क्यों, क्योंकि साध्य, साध्य जो है लक्ष्य यही है। पहले हम लक्ष्य के ऊपर समझें कि लक्ष्य क्या है, और फिर हमारी रुचि उसमें पैदा होएगी। हमें लक्ष्य नहीं पता और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, या कोई ज्ञान का साधन कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, तो उससे क्या मिलेगा हमें पता ही नहीं है। इसलिए साध्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य को डिसाइड करना, उद्देश्य क्या है हमारा वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये भाई हमारा डिसाइड होगा कि हम क्या चाहते क्या हैं। तो मुक्ति दो प्रकार की बताई, नंबर वन ब्रह्म सायुज्य, वो सायुज्य मुक्ति, और नंबर टू वैकुंठीय मुक्ति। सायुज्य मुक्ति और वैकुंठीय मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में भगवान के साथ सायुज्य हो जाता है, ऐसा मानते हैं कि वो भगवान के साथ उसका जो है वो मिलन हो जाता है, जिसको हम लोग ज्ञान योगी लोग बोलते हैं ब्रह्मलीन हो गया है वो, है ना। ब्रह्मलीन शब्द सुना होगा ना, श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री 1008 सुवर्ण सुवर्ण ऑल, है ना, ये सुना है हमने। तो वो ब्रह्म सायुज्य जो ब्रह्मलीन की बात कर रहे हैं, यहीं पर वही बात है। ये जो ज्ञानी लोग हैं वो, तो ये सायुज्य फिर दो प्रकार का बताया है, ब्रह्म सायुज्य और परमात्म सायुज्य। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग ब्रह्म सायुज्य के लिए चेष्टा करते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को विलीन कर जाते हैं। जैसे नमक की एक जो डली है उसको अगर समुद्र में डालें तो वो उसमें विलीन हो जाती है। ये है ज्ञानियों का लक्ष्य। ज्ञानी चाहते हैं कि हम अपने को ब्रह्म के अंदर विलीन कर दें, हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या कर रहे हैं ज्ञानी लोग, अपनी सत्ता को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे दुख कहां का होगा। तो जब दुख नहीं होगा तो सुख की संभावना भी खत्म हो गई, उनमें कोई आनंद भी नहीं आएगा। कैसे आएगा आनंद, क्योंकि मिट्टी की जो नमक की जो डली है उसको जब वो समुद्र में मिल गई पानी में, तो आनंद का आस्वादन कैसे करेगी, सुख का आस्वादन कैसे करेगी,
वो तो उसमें मिल गई, ये है उनकी मान्यता। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। उसी प्रकार दूसरे लोग हैं जो अष्टांग योगी हैं, वो लोग अष्टांग योग का पालन करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसका पालन करके वो परमात्मा का चिंतन करते हैं। परमात्मा का आकार है ना, ब्रह्म का आकार नहीं है। ब्रह्म को ज्ञानमय बताया है ना, ब्रह्म केवल ज्ञानमय है, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर परमात्मा है, परमात्मा का आकार होता है। तो परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा कैसे शांताकारम भुजगशनम पद्मनाभम सुरेशम, है ना, सुना होगा हमने वो श्लोक। तो इसलिए जो परमात्मा है वो अंकुष्ठ मात्र हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी के रूप में जो विराजित हैं, उन परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने हृदय में, उनको धारण करते हैं और उस समाधि के अंदर वो चले जाते हैं। उनकी उनका है समाधि। फिर समाधि दो प्रकार की है, अभी हम उसमें डिटेल में आगे नहीं जाने का जरूरत है, सिर्फ हम ये माने कि वो परमात्मा सायुज्य मुक्ति की आकांक्षा करते हैं जो ध्यान योगी हैं। तीसरे फिर आ जाता है दूसरी, ये पहली वाली मुक्ति थी सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति परमात्म सायुज्य मुक्ति। ब्रह्म सायुज्य मुक्ति लक्ष्य होती है ज्ञानियों का, परमात्म सायुज्य मुक्ति लक्ष्य होती है अष्टांग योगियों का। अब आते हैं हम दूसरी मुक्ति के ऊपर, वो है वैकुंठीय मुक्ति। ये वैकुंठ धाम के अंदर जो लोग जाते हैं, ये वैकुंठ क्या है, वैकुंठ को, वैकुंठ का मतलब अगर हम वैकुंठ का हम संधि देखें तो आता है जो बिना कुंठा के है, जहां पर कोई कुंठा नहीं है। कुंठा क्या मतलब, जहां संसार का जो जड़ता है हमारी, जो जड़ है, हम लोग सब संसार के अंदर हम जड़ माने जाते हैं, चित्त स्वरूप और जड़ स्वरूप दो स्वरूप होते हैं। तो हम लोग जो जड़ता है हमारी वो वहां पर नहीं होती है, वहां पर समय जो है नहीं होता है वैकुंठ धाम में। भगवान ने जैसे बोला है ना, यद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम अपर मम, 15वें अध्याय में जो श्लोक है, तो छठा श्लोक है शायद। तो इसलिए जो वैकुंठ के अंदर जो लोग जाते हैं वो लोगों को बोला गया है वैकुंठीय मुक्ति। वैकुंठीय मुक्ति फिर दोबारा से दो प्रकार की बताई गई है, थोड़ा सा डिटेल है लेकिन इसको क्लियरली समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये पूरा का पूरा लेसन है, एकदम क्लास की तरीके से हमको टेबल बना के समझना पड़ता है। तो वैकुंठीय मुक्ति, इसका चार्ट बना होगा तो मैं भेज दूंगा इसमें व्हाट्सएप पर। वैकुंठीय मुक्ति दो प्रकार की हो गई, सुख ऐश्वर्य उत्तरा, और दूसरी हो गई प्रेम सेवा उत्तरा। डिफिकल्ट वर्ड है, सुख ऐश्वर्य उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तरा का मतलब हुआ जो वहां पर जाकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में कौन रहते हैं, वैकुंठ में कौन रहते हैं, वैकुंठ में नारायण रहते हैं, लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना, तो वैकुंठाधिपति हैं हम लोग जो नारायण की सेवा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, वो वैकुंठ के अधिपति हैं, है ना। तो वहां लक्ष्मी नारायण जो है वो उनके साथ उसी लोक में जाके उसी के समान सुख और ऐश्वर्य का जो भोग करना चाहते हैं उसको बोलते हैं हम सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति। सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति। और दूसरी होती है प्रेम सेवा उत्तरा मुक्ति। ये लोग भी वैकुंठ में जाते हैं लेकिन इनकी इच्छा होती है कि हम खुद तो स्वयं में वो ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहते, वो क्या चाहते हैं कि हम प्रेम सेवा उत्तर, हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रेममय सेवा करेंगे हम भगवान की। अब भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए उनको एक उनको उनको भगवान के समीप रहना पड़ेगा, तो इसीलिए इस मुक्ति को बोलते हैं हम लोग सामीप्य मुक्ति। ये वाली मुक्ति हुई सामीप्य मुक्ति, समीप रहते हैं भगवान के। और जो पहली वाली थी सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति, वो तीन प्रकार की है। उसमें क्या होता है, पहली वाली है श्राष्टि, दूसरी है सालोक्य, तीसरी है सारूप्य। श्राष्टि, श्राष्टि का मतलब है कि भगवान के समान ऐश्वर्य। नंबर टू सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के समान लोक की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति। भगवान के पास नहीं रहेंगे वो, वैकुंठ लोक में रहेंगे, अनंत है वैकुंठ का विस्तार, तो वैकुंठ में कहीं पर रहेंगे किसी लोक में। और तीसरा है सारूप्य, भगवान के समान रूप उनका हो जाएगा, चतुर्भुज रूप हो जाएगा। भगवान कैसे हैं, नारायण चतुर्भुज रूप हैं, है ना। तो सारूप्य मुक्ति है, ये चार मुक्तियां हैं, ये चार मुक्तियां हैं हमारी वैकुंठीय मुक्ति। तो ये जो मुक्तियां हैं श्राष्टि, ये जो मुक्तियां हैं सामीप्य मुक्ति, श्राष्टि मुक्ति, सारूप्य और सालोक्य, ये भी भक्ति के तारतम्य से अलग अलग प्रकार के भक्तों को प्राप्त होती हैं।
भक्ति अलग अलग तरह की है, भक्ति भी बहुत प्रकार की बताई गई है। तो जिस प्रकार की भक्ति होगी उसी प्रकार की ये मुक्ति प्राप्त होगी। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लें तो पूतना जो थी जिसको कृष्ण भगवान ने मारा था, उसको कौन से वाली मुक्ति मिली थी? उसको पूतना थी, उसको मिली थी सालोक्य मुक्ति। मगर भगवान ने उसको अपना धाम भेज दिया था, अपने धाम में, वैकुंठ धाम में कृष्ण ने, है ना। और दूसरा एक था उसका, जो उसका भाई था, तो उसका नाम था अघासुर था उसका नाम। तो बकासुर दोनों उसके भाई थे, लेकिन जो उसका अघासुर भाई था उसको उन्होंने सारूप्य मुक्ति दी थी। तो ये इस तरह का सब भागवत के अंदर आता है, उल्लेख आता है कि भगवान ने किस तरह की मुक्ति किसको दी है। और ज्ञानी लोगों की जो लक्ष्य है वो है ब्रह्म सायुज्य, और ध्यान योगी का जो लक्ष्य है वो है परमात्म सायुज्य। और भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त है, अभी तीसरा वाला रह गया है, भक्त जो है वो, जो भक्त है, ये वैकुंठीय मुक्ति भक्तों को मिलती है ना। लेकिन जो हम तीसरे वाले भक्त की जो भक्ति है, तो जो शुद्ध भक्त है उसको साक्षात भगवान का प्रेम मिलता है, और प्रेम मिलकर भगवान के साथ ही वो उनके जिन भगवान की भी वो सेवा कर रहा है, जैसे राम हो या कोई कृष्ण हो, किसी की भी, नरसिंह हो, जिसकी भी वो भक्ति कर रहा है, वो उसको अपने साथ रख के उनका प्रेम उसको प्राप्त होगा, और वो उनको उस प्रेम को प्राप्त करके वो उनकी सेवा में संलग्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये पांच प्रकार की मुक्ति है। मेनली पांच प्रकार की मुक्ति अगर हम रिपीट करें तो सबसे पहले अगर सबको मिला दिया जाए तो पांच प्रकार की मुक्ति बनती है। नंबर 1 सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान के साथ या ब्रह्म के साथ या परमात्मा के साथ एकाकार होने की इच्छा रहती है, सायुज्य मुक्ति नंबर 1। नंबर 2 है शास्त्राष्टि, जहां भगवान के समान ऐश्वर्य का भोग करना होता है। तीसरी है सालोक्य, सालोक्य का मतलब लोक, भगवान का लोक मिलना। चौथी है सारूप्य, और पांचवी है सामीप्य, भगवान के समीप। तो ये उत्तरोत्तर जो है इनकी विशेषता बताई गई है। अब इनमें से कौन सी श्रेष्ठ है कौन सी नहीं है, इस बारे में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उत्तरोत्तर ये सब श्रेष्ठ मानी गई है। उत्तरोत्तर कि ब्रह्म सायुज्य से सृष्टि अच्छी है, और सृष्टि से सालोक्य है, सारूप्य से सारूप्य है, और सारूप्य से फिर सामीप्य, यानी भगवान के पास रहना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यही सबसे लक्ष्य है। कृष्ण का हमारे को राम के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए किसी भी प्रकार से, बस ये अगर प्रेम हो गया तो फिर हमें कोई चिंता की बात नहीं है, फिर हमको सेवा मिलेगी ही मिलेगी। ये है भक्ति, भक्ति योग। तो अब भक्ति योग में अधिकार किसका था? भक्ति योग में एक साधारण व्यक्ति का अधिकार है। साधारण व्यक्ति भक्ति योग कर सकता है, क्योंकि वो संसार में है ना, उसको ज्यादा आसक्ति है और ना वो किसी से ज्यादा वैराग्य है उसको, वो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ है उसकी, है ना। तो कर्म करते करते भी वो साथ साथ उसके भक्ति की संभावना है। लेकिन ज्ञान में और योग में अगर हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो अभी आजकल मेडिटेशन हो रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ टेंशन रिमूवल का एक टेक्निक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसमें तो कोई संभावना नहीं है भगवत प्राप्ति की किसी भी तरीके से, और ना ही इस तरह की कोई चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम सीधे परमार्थ पथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम अगर परमार्थ की बात करते हैं तो फिर हमारा अधिकार जो इस तरह से सिद्ध हो रहा है कर्मयोग में, सिद्ध हो रहा है हमारा अधिकार भक्ति योग में सिद्ध हो रहा है। ज्ञान योग में सिद्ध करने के लिए हमें मन में, हृदय में, शुरू से हमारे चित्त में निर्विण होना चाहिए, मतलब उदासीन होना चाहिए जगत से, वैराग्य होना चाहिए, और चित्त शुद्धि होनी चाहिए साथ में। तभी चित्त शुद्धि होगी, तभी जो हमारी कामनाएं वासनाएं नहीं है, संसार से वैराग्य का मतलब हमें कामना वासना नहीं है, तभी चित्त की शुद्धि होगी, तभी हम लोग है उस मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हुई हमारी साध्य की बात कि हमारा लक्ष्य था वो क्या है हमारा, ठीक है। अभी एक्चुअली ये विषय अब हमारा थोड़ा सा गूढ़ होता जा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन क्योंकि हम गीता का अध्ययन करने के लिए उतरे हैं, प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो जितना अभी समझ लें वो अच्छा है, वो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए क्यों ना अभी समझ लें, है ना। एक समय भी है और एक इच्छा भी है हमारी, तो क्यों ना हम लोग, अभी हमारे पास बुद्धि भी इंटैक्ट है, तो हम लोग इसको समझ लें और इसमें धीरे धीरे से प्रवेश करें। कोई जल्दी नहीं है हमको, कोई जल्दी नहीं है किसी भी तरीके की, सूक्ष्म विषय है इसलिए बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा बार बार, और इसमें पुनरुक्ति होगी, यही शब्द बार बार आएंगे। इसको पुनरुक्ति दोष ना मान के ये माने कि हमारे को हृदय में इस ज्ञान को ठहराने के लिए बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि गीता में बार बार एक ही बात रिपीट की गई है, शरणागति शरणागति शरणागति,
लास्ट में जाके भगवान ने सीधे बोल दिया, शरणागति इज द ओनली वे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही है गीता का उपदेश। अंतिम उसी के लिए हम सारा ये सब यत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी पूर्णतः शरणागति हो सकती है। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है जो इस गीता का पूरा निष्कर्ष है, जो आदेश है अर्जुन को, साक्षात आदेश है, और अर्जुन को उसके बाद ही इमीडिएटली ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसको अपनी स्मृति प्राप्त हुई है। तो कितना ही विषय गूढ़ होता जाए, लेकिन हमने, क्योंकि निश्चय है हमारा और गुरुदेव और हरि भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए हम इसमें प्रवेश करेंगे ही करेंगे। आज इतना ही, फिर आगे बात करते हैं। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।